Hello everyone, in this video we are going to learn about the MCQ related to university boards. We have already done this topic in our previous video, so in this video we will do only MCQ. So let's start. What is the meaning of wits? University wits jo hum likhte hain usme wits ka meaning kya hota hai? Scholar, poet, novelist ya fir dramatist. To uska answer hota hai scholar. Which century university wits belong to? University wits jo hote wo kis century se belong karte the? 15, 16, 17 ya fir 18? To answer will be 16. Of which university Christopher Marlowe took his education? Christopher Marlowe जो थे उन्होंने अपनी education कहाँ से ली थी? देखो सब बहुत important university words में से एक है Christopher Marlowe. तो उन्होंने अपनी education कहाँ से ली थी? Cambridge University में. इसमें मैंने आपको detail से पढ़ाया हुआ है एक trick के साथ, वो आप देख सकते हैं. Next आप देखते हैं among university words who was not the member who took education from Oxford University. Oxford University में से इनमें से किसने अपनी education नहीं ली थी? Thomas Loach, John Lilly, Marlowe and Thomas Kidd. Marlowe का मैंने अभी बताया कैम्ब्रिज से ली थी उन्होंने, और Loach और Lilly और Pillay इन तीनों ने कहाँ से ली थी? Oxford से. तो बचा कौन? Thomas Kidd. Thomas Kidd ऐसे थे जिन्होंने Oxford से भी नहीं ली और कैम्ब्रिज से भी नहीं ली. Thomas Kidd ऐसे थे जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए लेकिन उनको यूनिवर्सिटी विट्स में कंसिडर किया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है. Thomas Kidd. Who wrote the play Friar Bacon? Friar Bacon जो play किसने लिखा था? तो वो किसने लिखा था? ये एक एलिजाबेथ कॉमेडी है, ठीक है. ये किसने लिखी थी? रॉबर्ट ग्रीन ने. नेक्स्ट आप देखते हैं विच राइटर समटाइम कंसिडर एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट दैट आई ऑलरेडी टेल यू दैट थॉमस किड इज नॉट अ थॉमस किड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हु प्रिपेयर्ड अ सॉलिड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर? शेक्सपियर के लिए जो रिटन का जो ग्राउंड था वो किन्होंने प्रिपेयर किया था? जेम्स फिफ्थ ने, एलिजाबेथ ने, यूनिवर्सिटी विट्स ने, ऑल ऑफ दिस. तो आंसर विल बी यूनिवर्सिटी विट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स जो थे इन्होंने शेक्सपियर से पहले लिखना शुरू किया था और इन्होंने एक प्लॉट एक प्रिपेयर जो है कर दिया था ग्राउंड किसके लिए? शेक्सपियर के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं हु रोट फर्स्ट नावल. तो फर्स्ट नावल किसने लिखा था? थॉमस नैश जो थे अपने नावलों के लिए बहुत फेमस थे, ठीक है. तो थॉमस नैश ने लिखा था यूनिवर्सिटी विट्स में जो फर्स्ट नावल है वो. हु यूज़ द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट? तो यूनिवर्सिटी विट्स की जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी? क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन या फिर जॉर्ज सैंटबरी. तो जॉर्ज सैंटबरी ने यूज़ की थी. जॉर्ज सैंटबरी जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे और ऑथर थे, तो इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था. उसके बाद है हु रोट द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रेवल? थॉमस नैश ने मैंने अभी बताया जो अपने नॉवल्स के लिए जाने जाते थे उनका जो पहला नॉवल था वो कौन था? कौन सा था? थॉमस नैश. थॉमस नैश का जो सबसे पहला वो था अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर. नेक्स्ट है हु रोट द प्ले एडवर्ड फर्स्ट? एडवर्ड फर्स्ट जो प्ले है वो किसने लिखा था? तो दिस इज द प्ले रिटन बाय जॉर्ज पेले. नेक्स्ट है हु रोट द प्ले रोजलैंड? रोजलैंड जो प्ले है वो किसने लिखा था? तो ये प्ले किसने लिखा हुआ है? इज़ द प्ले रिटन बाय थॉमस लॉज, ठीक है. किसने लिखा हुआ है? थॉमस लॉज ने. देखो शेक्सपियर की जो कॉमेडी है एज यू लाइक इट उसका जो प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया है इन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो ऑन विच प्ले शेक्सपियर टुक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कहाँ से लिया है? रोजलैंड से ही लिया है. और ये किस वर्क किसका है? थॉमस लॉज का. नेक्स्ट हम देखते हैं हु फिनिश मार्लोस बुक डीडो आफ्टर हिज डेथ? मार्लो की जो बुक थी डीडो उसको उनकी डेथ के बाद किसने फिनिश किया था? दिस बुक इज फिनिश्ड बाय थॉमस नैश. नेक्स्ट है हु रोट द प्ले स्पेनिश ट्रेजडी? तो स्पेनिश ट्रेजडी जो है वो किसने लिखी थी? थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पेले या थॉमस किड. तो ये ट्रेजडी जो किसने लिखी थी? थॉमस किड ने. यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप इसको लिख सकते हैं. थॉमस किड ने लिखी थी. एंड दिस इज अ हॉरर टाइप, मतलब एक घोस्ट टाइप कॉमेडी है. एंड द ट्रेजडी प्रिंटेड इन 11 टाइम बिटवीन 1592 to 1633 तक ये कॉमेडी 11 टाइम जो है वो पब्लिश हुई है, ठीक है, प्रिंटेड हुई है मतलब. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ड्रामा थी जो ब्लैक वर्ड्स की थी, तो आपको इसको याद रखना है. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.